बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास अब्बद और आप देख रहे हैं कारीशान यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इस चैनल के ऊपर एजुकेशन के हवाले से जो भी अपडेट्स आती हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज की स्टूडियो के अंदर हम बात करेंगे जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उनका रिजल्ट जो है वो आना है। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा जो है रिजल्ट के हवाले से रिजल्ट का इंतज़ार है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो है आपको बताऊंगा कि आपने अपना रिजल्ट अपने मोबाइल के ऊपर किस तरह चेक करना है। अल्लाह पाक आप सारे बच्चों को अच्छे नंबरों से कामयाब करे, आपके ऊपर आपके वालदैन का सहर सलामत रखे। जो बच्चे इस चैनल के ऊपर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, नीचे रेड कलर का निशान है, बटन है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जो है बच्चों आपने रिजल्ट चेक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने आना है गूगल के ऊपर, अपने मोबाइल के अंदर गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आके आपने टाइप करना है WASWAS ABAD, आपने गूगल के ऊपर आके वकास अब टाइप करना है, इंटर प्रेस कर देना है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे वेब फर्स्ट लिंक आएगा wakasabad.com, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे बच्चों, उसके बाद आपको यहाँ भी ऑप्शन मिलेगा रिजल्ट का, ये देखिए रिजल्ट का, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे बच्चों, उसके बाद जो है आपको ऑप्शन मिलेगा 9th क्लास, 10th क्लास, 11वीं क्लास और 12वीं क्लास, ठीक है। फिलहाल हम जो है 11वीं क्लास की बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो हम यहाँ पे 11वीं क्लास के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया बच्चों, उसके बाद आपने सबसे नीचे आना है यहाँ पे। जैसे ही आप इसके ऊपर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तमाम तलबा नीचे दी गई लिस्ट में से मुतलका ऑप्शन अपने बोर्ड का इंतखाब करें और दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मतलब ये है कि क्योंकि पंजाब के अंदर 9 बोर्ड हैं, जिस तरह बहावलपुर बोर्ड है, DG खां बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, साहिवाल बोर्ड है, सगोदा बोर्ड है, इसी तरह रावलपिंडी बोर्ड है, तो ये तमाम बोर्ड्स का रिजल्ट जो है जब आता है तो आपने अपने बोर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जिस तरह ये बहावलपुर बोर्ड का है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये लिंक ओपन हो चुका है, उसके बाद आपने सबसे नीचे आना है। एक तो ये भी साथ साथ ये भी क्लियर कर दूं, जिन बच्चों ने रीचेकिंग करवानी हो तो वो रिजल्ट आने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर रीचेकिंग भी करा सकते हैं। उसके बाद हम सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है ऑनलाइन रिजल्ट 2023 चेक करने के लिए यहाँ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो आपने यहाँ पर आके क्लिक करना है, ठीक है, इस लिंक के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है 10 बजे जो है अपडेट जो है वो हो जाएगा, ठीक हो गया बच्चों। तो ये तरीकाकार है रिजल्ट के हवाले से रिजल्ट चेक करने का। आपने क्या करना है, अपने बोर्ड के आगे क्लिक करना है, अगर आपका लाहौर है तो लाहौर के आगे, मुल्तान है तो मुल्तान के आगे, साहिवाल है साहिवाल के आगे, रावलपिंडी है रावलपिंडी के आगे, सरगोदा है सरगोदा बोर्ड के आगे, जो आपका बोर्ड है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को बच्चे का क्वेश्चन होगा तो वो नीचे कमेंट्स के अंदर कर सकता है, ताकि आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपके तमाम क्वेश्चनों के आंसर जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।